मुख्य प्रश्न तीन इस प्रकार है, अन्य वचन रूप लिखना है और इसके अंतर्गत आने वाले एक पांच प्रश्न छह प्रश्न है। पहला था कि रूढ़ी, रूढ़ी का अन्य वचन रूप रूढ़िया है और व्याख्या, व्याख्या का अन्य वचन रूप व्याख्याएं, सेवा, सेवाएं, आज्ञा, आज्ञाएं, उपाधि, उपाधियां, शाखा, शाखाएं। इस प्रकार छह प्रश्न था कि आपको अन्य वचन रूप में लिखने के लिए। मुख्य प्रश्न चार है, अन्य लिंग रूप आपको क्या करना है लिखना है। इसके भी अंतर्गत आपको छह उप प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न और उत्तर कौन कौन से हैं। पहला है माता पिता, घोड़ा घोड़ी, स्वामी स्वामिनी, अनुयायी अनुयायिनी, बालक बालिका। और छठा और अंत का प्रश्न था कि बच्चों शिष्य है और शिष्य का अन्य लिंग रूप है कि शिष्या। मुख्य प्रश्न पांच पर विलोम शब्द लिखना है, यहाँ पर भी आठ उप प्रश्न है और इस प्रकार प्रश्न और उत्तर है। पहला है गौरव का अगौरव, दुख सुख, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, स्वदेश विदेश, समर्थ असमर्थ, सबल निर्बल। इसे दुर्बल भी कहते हैं, याद रखना है, दोनों का भी उसका उत्तर एक ही है, सबल निर्बल या दुर्बल। और आठवां प्रश्न था कि बच्चों ज्ञान है और ज्ञान का विलोम शब्द है कि अज्ञान। मुख्य प्रश्न छह है, जोड़कर लिखने के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही मैं जोड़कर सुमेलित कर वाक्य को लिखाया हूँ। पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, भुवनेश्वरी देवी और इस जोड़ी का सही उत्तर है धर्मपरायण महिला थी। दूसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तीसरा, विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। और चौथा था कि अंधविश्वास को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। मुख्य प्रश्न सात वाक्यों में प्रयोग करने के लिए है, यहाँ पर कई पांच शब्द है, इन पांच शब्दों को आपको क्या करना है कि आपके सार्थक वाक्य में आपको प्रयोग करना है सही ढंग से। पहला है घुड़सवारी, और घुड़सवारी इस शब्द को वाक्य में यह इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि बच्चों ने घुड़सवारी की। हृदय स्पर्शी विवेकानंद का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। तीसरा, अंधविश्वास विवेकानंद ने लोगों का अंधविश्वास दूर किए। चौथा, अकाल है और मेरा गांव में पिछले साल अकाल पड़ा था। अंत में है जिज्ञासा है, और जिज्ञासा को इस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया गया कि विवेकानंद में धर्म के बारे में जिज्ञासा थी। मुख्य प्रश्न आठ है बच्चों, वाक्यों को शुद्ध करना है, कहीं यहाँ पर व्याकरणिक दृष्टि से वाक्यों में अशुद्धि है, इस अशुद्धि को आपको दूर करना है, पहले पहचानना है फिर बाद में वाक्य को क्या करने की शुद्ध कर लिखना है। प्रश्न पहला आ गया, विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही। सही उत्तर है, विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे, उनकी भाषण गंभीर थी, उनकी भाषण गंभीर था। तीसरा, स्वामी जी कोशिश की, स्वामी जी ने कोशिश की। चौथा, कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया, और उत्तर है कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गई। पांचवा प्रश्न था कि उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने का संदेश दिया। उत्तर है कि उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। मुख्य प्रश्न नौ, यहाँ पर तालिका है आपके पाठ्य पुस्तक पर पृष्ठ संख्या 24 पर पांच, यहाँ पर तालिका में हर एक एक आपको सूची में क्या क्या शब्द दिया गया है, उन्हीं एक एक सूची से लेकर आपको क्या करना था कि पांच सार्थक वाक्य को निर्माण करना था। आपको पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण भी दिए गए थे, यह महेश का भाई है। इसी प्रकार आपको पांच अन्य उदाहरण या वाक्यों को भी लिखना था कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि यह महेश की बहन है, यह महेश का मकान है, यह महेश के गुरुजी हैं, ए महेश के गुरुजी हैं, अंत में है ए महेश के मकान हैं। मुख्य प्रश्न 10 पर है बच्चों, रिक्त स्थान को भरकर सार्थक शब्द भरना है, कहीं ऊपर से नीचे हो या बाएं से देने में दिए गए शब्द सूची में आपको क्या करना था कि एक ही शब्द भरकर दोनों का भी शब्द सार्थक शब्द को निर्माण करना था। आपको पाठ्य पुस्तक में उदाहरण भी दिए गए है कि विवेक और सवेरा, उसी प्रकार यहाँ पर है उत्तर ही मैं यहाँ पर लाया हूँ। पहला उत्तर है कि उपाधि अपार, दूसरा समिति अमित,
तीसरा आदान प्रदान, चौथा है धारक कारक, और पांचवा और अंत का है कि बच्चों भारत निरत। चलेंगे, ग्यारहवा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से निहित चार नए शब्दों को ढूंढकर लिखना था। आपको एक यहाँ पर शब्द दिए हैं, उसी शब्द के अंतर्गत अन्य चार शब्द भी है, उनको ढूंढकर आपको क्या करना था कि लिखना था। पहला प्रश्न है, घुड़सवारी में अंतर्गत शब्द है घोड़ा, सवारी, वारी, सवा। परमहंस है परम हंस वार रम। अंधविश्वास है अंध विश्वास विश्व वास। चौथा भारतवासी है भारत वासी वात सीत। चौथा विवेकानंद है, सॉरी पांचवा, और विवेकानंद के अंतर्गत शब्द है विवेक आनंद नंद कान। इस प्रकार आपको क्या करना था कि दिए गए एक शब्दों में से क्या करना है कि उन्हीं से वर्णों को लेकर चार नए शब्दों को ढूंढकर लिखना था। अबे मुख्य प्रश्न 12 है, सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान को भरना था। यहाँ पर मैं ऑलरेडी ही भरकर ही आपको उत्तर लिखा हूँ, आपको ऑलरेडी आप पढ़े हैं कि कारक के बारे में गुलाब से उपाट पर उसी कारकों को सही कारक का प्रयोग इस पर आपको कर लिखना है। देखेंगे प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, नदी डैश तट पर आम का पेड़ है। उत्तर है नदी के तट पर आम का पेड़ है। दूसरा प्रश्न था, रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है, रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। तीसरा, जानवरों डैश दया करनी चाहिए, जानवरों पर दया करनी चाहिए। चौथा प्रश्न, जवान और बूढ़ों डैश अंतर होता है, जवान और बूढ़ों में अंतर होता है। पांचवा प्रश्न था कि धूप डैश पत्ते सूख गए, धूप से पत्ते सूख गए। यह था मुख्य प्रश्न 12 पर। अब हम चलेंगे कि बच्चों मुख्य प्रश्न 13 पर। यहाँ पर अनुरूपता है, यानी पहला शब्द का संबंध है दूसरा शब्द से है, आपको वह ग्रहण करना है, समझ लेना है, फिर उसी के अनुरूपता पर, उसी के मेल पर आपको क्या करना था कि तीसरा शब्द का भी संबंध आपको चौथे शब्द में लिखना है। देखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया हूँ। पहला है रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी, यानी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है शारदा देवी है, और विश्वनाथ दत्त की पत्नी का नाम है बच्चों भुवनेश्वरी देवी। इस प्रकार आपको क्या करना है कि पहली जो जोड़ी है उसका जो मेल को आपको क्या करना है कि समझना है क्या है, और उसी के अंतर्गत आपको तीसरा शब्द का उत्तर भी चौथे में लिखना था। दूसरा है 1883 विवेकानंद का जन्म हुआ, फिर 1893 में क्या हुआ, शिकागो धर्म सम्मेलन चला, या शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिए। और तीसरा प्रश्न है विवेकानंद नरेंद्र देव, यानी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था कि नरेंद्र देव, और सिस्टर निवेदिता का पहला वास्तविक नाम था कि मार्गरेट एलिजाबेथ। जब इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से दीक्षा प्रदान कर ली, दीक्षा ग्रहण कर ली, तब उन्होंने सिस्टर निवेदिता नाम से प्रसिद्धि हो गए। चौथा प्रश्न है बच्चों, शिकागो है, और शिकागो तो अमेरिका में है, और कलकत्ता कहाँ है, भारत, यानी शिकागो अमेरिका देश में है, और उसी प्रकार कलकत्ता भी भारत देश में है। इस प्रकार इस पाठ का, स्वामी विवेकानंद पाठ का पूरी तरह से सारांश और प्रश्नोत्तर मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए प्रयास किया हूँ। आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसी के अंतर्गत 8वीं 10वीं कक्षा के भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आपको देखना है और इसका एक सुविधा आपको उठाना है। मिलेंगे और भी एक नए पाठ में।